खरगोन शहर में तेज गति से हो रहे सड़क निर्माण कार्यों की गुणवत्ता पर सवाल उठने लगे हैं। शनिवार को वार्ड 21 शास्त्री नगर में रहवासियों ने बन रही सड़क की गुणवत्ता पर सवाल उठाते हुए हंगामा किया। रहवासियों ने इसकी शिकायत सीएम हेल्पलाइन सहित नगर पालिका प्रशासन को की है, जिस पर अमले ने जांच शुरू की है। क्षेत्र के योगेश पाटीदार ने नगर पालिका को लिखित शिकायत में बताया कि सड़क निर्माण ठेकेदार मनमाने तरीके से निर्माण कार्य कर रहा है। डामर डालने से पहले थिकनेस से लेकर गिट्टी शोल्डर डालने में मानकों को पूरा नहीं किया जा रहा है। करीब 15 दिन से की जा रही शिकायत के बाद शनिवार को नगर पालिका अमला मौके पर पहुंचा था और उन्होंने खुद सड़क पर डाले गए रॉ मटेरियल की जांच की है। रहवासियों ने मांग की है कि मजबूत बेस बनाने के बाद ही डामर डाला जाए। ब्यूरो रिपोर्ट खरगोन। सर, ये जबरन के आरोप लगाते हैं और ये बोलते हैं कि 5-5 ट्रिप माल हमारे यहाँ फ्री में डालो दूसरे प्लाट पे, और मैं नहीं डालता हूँ तो मेरे पे आरोप लगाया जा रहा है। यदि मैं इन पे किसी चीज का कहीं बोलता हूँ या कहीं बोला होगा तो कॉलोनी में किसी आदमी ने तो सुना होगा। ये किसका निर्माण, क्या का काम हो रहा है? नगर पालिका द्वारा हो रहा है। क्या ठेकेदार है? ये राधे मकबूल मलिक। कितना बड़ा रोड बन रहा है ये? 500 मीटर। बिल्कुल समस्या आ रही, माल कम डाला, दबाई हो रही है। माल कम आ रहा है वहाँ तो हम डाले ही जा रहे हैं। हाँ। उसके बाद में वो बोलता है कि हमारे यहाँ हमारे प्लाट पे 60 ट्रिप माल फ्री में डालो, आज 1000 रुपए ट्रिप का माल आ रहा है। हमारे इधर रोड नहीं बढ़िया है, उधर रोड नहीं बना, इधर बन गया उधर बन गया, उधर गली छोड़ दी हमारी। अभी क्या समस्या आ रही है? अभी यही समस्या आ रही है, वो सब बच्चे हम गिरते, गाड़ी निकलती नहीं, वो पुलिया टूट गया हाँ, गड्ढे में बच्चे गिर रहे हैं। नाली ढंग से बनी हुई है, नाली ऑन भी नहीं है, अंधेरे में तो बड़ा भी गिर रहा है। और भागीरथों को कितनी बार बोलने गए सुनता नहीं, सुन के अनसुना कर देता है या भाग जाता है, उसके घर भी जाते हैं तो क्या करोगे? जाओ वहाँ नगर पालिका में। कौन बोलता है? वहाँ भी गए थे भागीरथ पार्षद, हम गए थे वहाँ भी 2-3 बार गए थे, सुनवाई नहीं कर रहे, और उनकी मनमानी बोले हमारे हिसाब से होगा, तुम कौन होते हो बोलने वाले? न बोले इधर के पार्षद बोलता है, बोले इधर के लोगों ने वोट नहीं दिया तो मैं इधर काम नहीं करूंगा, इधर का तो हमारी गली क्यों छोड़, बोले इधर दिया नहीं है तो बोले मैं नहीं करूंगा, नहीं जाओ तुम्हारे जो होगा कर लेगा। उधर भी बन गया, इधर भी बन गया, हमारी एक बीच की गली छोड़। एक यहाँ पर जो इन्होंने 10% उपयोग ज्यादा करा हुआ है, और पानी की इन्होंने जो पानी डालना चाहिए रोलर चलाना चाहिए, कोई रोलर का उपयोग नहीं हो रहा, कोई पानी का उपयोग नहीं हो रहा है, बरोबर लेवलिंग भी नहीं करी हुई है, और ऊपर से घर वाला अतिक्रमण जो उसका पेड़िया है तुड़वाने के लिए तैयार है, ठेकेदार के पास जेसीबी नहीं है, ट्राली नहीं है, भाना बनाकर छोड़ रहा है और डस्ट पे डामरीकरण करा जा रहा है इसका। अभी अधिकारी कर्मचारी आए थे मुख्य, वो उनको 4 बार बोल चुके ठेकेदार के आदमी को, और सुपरवाइजर इसका सुपरवाइजर है राधेश्याम करके, ऊपर से भाइयों से बदतमीजी करता है, भाइयों को गाली गलौज से बातें करता है। उसका कहना ये पड़ रहा है, बोले मेरे को सरकार ने बोले कि ठेका दिया तुमने, सुर दिया मैं सरकार का पैसा खा रहा हूँ। नगर पालिका में शिकायत करी इसकी, सीएमएल पे भी करी हुई है, आवेदन भी दे चुके हैं, रसीद भी कटवा चुके हैं, कई बार कोई सुनवाई नहीं हो रही है। अधिकारी आज 16 तारीख का आवेदन दिया था, आज हमारे 10 बार फोन लगाने पे आए हुए हैं। क्या मांग करते हैं बाबा? सही से इसका जो गाइडलाइन में रोड आ रहा है जीएसबी डब्ल्यूबी, और उसके ऊपर डामरीकरण सही तरीके से रोलर चला के किया जाए, चौड़ी रोड को सबसे पहले कॉलोनी वालों की मांग है कि रोड को चौड़ीकरण कराया जाए, सही से हटाया जाए रास्ता, लोगों की पेड़ियों को तोड़ा जाए, सब तोड़वाने के लिए तैयार है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम योगेश पाटीदार है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।